बिहार के मॉडल स्कूल के छात्रों ने युवा सरपंच भूपेंद्र यादव के साथ मिलकर एक अनोखी पहल कर मानवता की मिसाल पेश की और अपने साथ पढ़ने वाली एक छात्रा के अचानक बीमार होने और कानपुर के एलन हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद अपनी पॉकेट मनी एवं माता पिता से मदद लेकर अपने शिक्षकों और सरपंच भूपेंद्र यादव के साथ मिलकर रुपए इकट्ठे किए और अपने साथ पढ़ने वाली अर्चना पाल की मदद करके समाज में बढ़ रहे विखंडन को करारा जवाब दिया। नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने अपने साथ पढ़ने वाली छात्रा के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए लोगों से मदद करने की अपील की। नमस्कार, मैं अभिषेक चौरसिया और मैं आज पे खड़ा हूँ गौरिहार के मॉडल विद्यालय में, मॉडल स्कूल में। और इसी विद्यालय से एक छात्रा थी जिसका अचानक अध्ययन के बाद ही ब्रेन हेमरेज जैसी स्थिति आ गई और उसका एक अंग, हाथ और पैर शिथिलता में चला गया और आज वो इलाज के लिए कानपुर में भर्ती है। तो इस विद्यालय के, स्कूल के जो उसके साथ में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनके शिक्षक हैं और इस गौरिहार पंचायत के जो एक युवा सरपंच हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि उस बच्ची के इलाज में, क्योंकि वो आर्थिक रूप से उनका परिवार इतना सक्षम नहीं है और इलाज में काफ़ी पैसे लगने हैं, तो एक मुहिम चलाई गई है विद्यालय परिसर की तरफ से, गौरिहार पंचायत की तरफ से। तो उसी के लिए हम लोग जुड़े हैं और कैसे छोटे छोटे बच्चों ने अपने साथ पढ़ने वाली छात्रा की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं, छोटे छोटे बच्चों ने अपने परिवार से पैसे लिए हैं, छोटे छोटे बच्चों ने अपने डेली खर्च से पैसे बचाए हैं, अपनी पॉकेट मनी से बचाए हैं और आज इस भाग दौड़ भरी लाइफ में जहां अपने लोग भी कहीं कहीं साथ छोड़ जाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे सीख देते हैं हमें कि हम कहीं पर भी, अगर हमारे अंदर सोच अच्छी है, इच्छा शक्ति अच्छी है, तो हम कहीं पर भी अकेले नहीं हैं। और आज मैं विद्यालय के ही जो प्रभारी प्राचार्य हैं उनसे जानता हूं। सर, आपका स्वागत है। हाँ। और कैसी प्रकार की ये घटना हुई थी यहां पर? ये अकस्मात एक घटना घटी शनिवार के दिन CCLE एक्टिविटीज़ के दौरान। जी सर। अचानक बच्ची बेहोश हो गई, फिर जब स्कूल आए और फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, फिर उसके बाद उसे रेफ़र कर दिया गया बांदा के लिए, फिर बांदा से फिर कानपुर के लिए। उधर फिर पता चला, जब हमने कॉल पे संपर्क किया, पता चला उसकी ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन की कोई नस ब्लास्ट हो गई उसकी। तो अभी जो बच्ची है उसके इलाज के लिए आपके विद्यालय के बच्चों के द्वारा, टीचरों के द्वारा और सरपंच महोदय के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, तो ये मुहिम किस प्रकार की, आप बताना चाहेंगे? सोशल मीडिया पे सरपंच महोदय ने हमारी ये मुहिम चलाई थी, लेकिन हमारी स्कूल की पढ़ने वाली बच्ची थी, इसलिए हमें भी लगा कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए। इसलिए हमारे स्टाफ वालों ने सहयोग किया, हमारे बच्चों ने सहयोग किया और जितना बन पड़ेगा हम आगे भी उसका सहयोग करेंगे, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो कुछ कर सके। अच्छा, छात्रा कैसी थी अध्ययन में? कैसी छात्रा? पढ़ने में अच्छी थी, वो फर्स्ट डिवीजन पास भी हुई थी हाई स्कूल में। पढ़ने में अच्छी थी, होनहार छात्रा थी। आप चाहते हैं कि दोबारा से छात्रा विद्यालय में? बिल्कुल चाहता हूँ, और किसी भी बच्चों के साथ में ऐसी कोई घटना ना घटे और वो जल्द हमारे बीच में आए और हम यहाँ अध्ययन करें। चलिए, हमारे साथ में इसे गौरिहार पंचायत के युवा सरपंच हैं भूपेंद्र यादव, और उनसे मैं जानता हूँ कि कैसे उनके मन में विचार है। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपको कब जानकारी लगी? सर, घटना जैसी जानकारी लगती है शनिवार की, लेकिन मुझे रविवार को कॉल आता है। मैं उस टाइम भोपाल में था कॉलेज के काम से, तो मेरे पास उनकी बड़ी बहन का कॉल आता है कि भैया ऐसी ऐसी घटना हो गई। तो परिवार के बारे में अपन को पहले से जानकारी है, मेरी पंचायत का एक घर है वो, तो जैसे लगा तो अपन को लगा कि इसमें तो इलाज में ज़्यादा पैसे लगने हैं और अपन कितना कर पाएंगे पर्सनल, 15-20 हज़ार रुपये। तो फिर हम लोगों ने, मैंने दिमाग में लगाया वहीं ट्रेन में बैठे बैठे कि चलो एक ठो पोस्ट करते हैं अपन और सोशल मीडिया के माध्यम से अपन एक मदद करते हैं, क्योंकि ये चीज़ हम 6-7 साल पहले कर चुके थे। यहाँ के कामता अहरवार हैं, उनका घर आग लग गई थी घर में, तो उस बार भी हम लोगों ने, मैं राजनीति में इतना सक्रिय नहीं था, छोटे छोटे बच्चों ने, हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने, मॉडल स्कूल के बच्चों ने, हम लोगों ने सिर्फ बच्चों से मदद मांगी थी और उसका 20-25 हज़ार मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल भी उस टाइम पर, उन्होंने उनकी बिटिया की शादी में मदद करी काम तहरवार की। तो वो संदेश मेरे मैसेज मेरे दिमाग में था कि ये चीज़, हाँ वो आइडिया था कि ये चीज़ अपन करें, अब तो अपन राजनीति में है और सक्रिय है तो बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। मैंने एक पोस्ट डाली और 15-20 मिनट से ही इतने सारे आने लगे, जुड़ते गए और फ़ोन पे आते गए कि वो मदद करते हुए 1.25 लाख पहुँच चुकी। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल ने भी मदद करी, लेकिन इस घटना के बाद एक चीज़ जो सीखने को मिलती है और ये कि हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि लोग
हमारे क्षेत्र के ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे भविष्य में, ये संवेदनशील हैं, समाज का हिस्सा बनने के लायक है, जो वास्तव में एक अच्छे समाज की भूमिका रचेंगे ये लोग, क्योंकि आगे ये लोग ही इस क्षेत्र का और भविष्य तय करेंगे, और ये लोग वास्तव में लोगों की मदद करने में आगे हैं। इन लोगों ने 5,000 से ज़्यादा राशि एकत्रित की है, ये बहुत अच्छा संदेश है इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। अच्छा, जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं उनसे बिल्कुल अनुरोध करता हूँ कि जहाँ तक मदद की जरूरत हो, आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए, उस बिटिया की जीवन की रक्षा के लिए आप भी अपने हाथ बढ़ाइए। और मैं तो कहता हूँ, जहाँ भी ऐसी घटनाएं घटे आपके आसपास, तो आप लोग भी कुछ हिस्सा जोड़ने का काम करिए, लोगों को जोड़ने का काम करिए, ऐसी मुहिम चलाइए जिससे हम वास्तव में हमारे समाज और परिवार के लोग आर्थिक मदद से अपने जीवन की रक्षा बचा पाएं और लोगों को जीवन बचे। अच्छा, तो अभी इलाज के दौरान आप उनके टच में बने हुए? बिल्कुल, मेरा लगातार परिवार से संपर्क है, मैं लगातार सुबह या शाम बात करता हूँ उनसे। और क्या है, लड़की का बीपी 260 तक पहुँचता था, अब कल से उसका 160 आ रहा है, सुधार धीरे धीरे सुधार हो रहा है, ऑपरेशन की स्थिति बनेगी, उसके लिए भी हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो ये थे भूपेंद्र यादव, इन्होंने बताया कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो और आप एक मदद का पूरा लेके चलेंगे भरोसा, तो आप जा सकते हैं किसी की भी मदद करने, और इस मुहिम से पहले भी जुड़ चुके हैं। अभी कुछ छात्राएं और छात्र हमारे बीच, तो आपका नाम क्या है? गुड़िया नैन्सी द्विवेदी। तो ये आपके साथ जो पढ़ती थी, आपकी सहपाठी थी, तो कब आपको जानकारी लगी? हमें शनिवार किसी सियाली के दिन वो एक गाना गाई, फिर एकदम से उनकी तबीयत खराब होने लगी, उसी दिन से हमें पता चला कि उनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। तो आपने उनकी किस तरीके से मदद की और आप लोगों से आगे क्या कहना चाहती? हम लोग ने पहले रुपए इकट्ठा करे, हमारे सर ने बताया कि उनकी ऐसी तबीयत है और तुम लोग रुपए इकट्ठा, तो हम लोगों ने रुपए इकट्ठा करे और जितनी हम लोगों से बन पाई हमने उतने किए, और हम लोगों से यही चाहते हैं कि वो भी जितने उनसे हो सके उतने रुपए दे दे, जिससे उनकी तबीयत ठीक हो जाए। आपका नाम क्या गुड़ी? नंदिनी विश्वकर्मा। तो आप क्या इस मुहिम से जुड़ी हैं? जी। आपने पैसे जो दिए हैं, तो आपने अपने जेब खर्च से दिए, अपने परिवार से मंगाए? अपने परिवार से। परिवार से। परिवार में आपने क्या बताया था? कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, इससे वो मदद कर सके। आपके परिवार वालों का कैसा बर्ताव रहा फिर जब आपने बताया? तो बताया तो उनने भी काफी मदद की। अच्छा, आपके परिवार वाले ने। आपका नाम उड़ी? हमारा नाम दीप्ति साहू है। हाँ, तो आप के जो साथ में पढ़ती थी, आपकी बड़ी बहन कहलाई, सहपाठी है, तो आप मतलब क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आ जाएं, स्कूल विद्यालय आ सके, फिर से वो पढ़ाई कर सके और जल्दी से जल्दी आ जाएं। हमें बहुत अच्छा लगता है, वो दीदी बहुत अच्छी थी। हमारे साथ कुछ छात्र हैं। भैया, आपका नाम? जी, मेरा नाम आर्यन अहरवार है। आर्यन अहरवार जी, आपके ही विद्यालय की एक छात्रा हैं जो आज अस्पताल में भर्ती हैं। तो आप लोगों ने ये मदद करने का, जैसा आपके सरपंच ने बताया, तो आपने किस तरीके की मदद की? जी, हमने अपने घर वालों से सारी स्थिति बताई और कहा कि हमारी जो सहपाठी थी, हमारी बड़ी बहन थी, तो उनकी मदद के लिए हमने उनसे रुपए मांगे और रुपए। आपके घर वालों का कैसा बर्ताव रहा जब आपने बताया उनको ये बात? जी, हमने बताया तो हमारी मतलब परिवार के घर वाले कह रहे थे कि हम उनकी जितनी हमसे हो सके उतनी मदद करेंगे। भैया, आपका नाम? निखिल अवस्थी। आपने भी कुछ दिया है डोनेशन? हाँ। तो आपने घर वालों को बताया था कि अपनी जेब खर्च से ही दिया? घर वालों को बताया। घर वालों को बताया। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? उन्होंने कहा था कि जितना हो सके मदद करेंगे उनकी। तैयार हमारी बड़ी बहन। सभी आप लोगों की क्या इच्छा है कि जल्दी से जल्दी हो स्कूल आ जाए? और आप लोग जो इतने लोग जुड़े हैं या वीडियो देख रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? ये अपील करना चाहेंगे कि वो भी अपने जितना योगदान कर सकते हैं तो अपना योगदान करें। तो अभी आप देख रहे थे कि हम मॉडल स्कूल गौरिहार में खड़े हुए थे और यहाँ के युवा सरपंच भूपेंद्र यादव के द्वारा, प्रभारी प्रिंसिपल के द्वारा, टीचरों के द्वारा और छोटे छोटे बच्चों के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है। अपने सहपाठी की मदद के लिए फोन पे के माध्यम से पैसे इकट्ठी की जा रहे हैं। तो आप अगर इस मुहिम से जुड़ना चाहें, तो हमारी खबर के डिस्क्रिप्शन में आप फोन पे नंबर, बार कोड देखेंगे, और आप अगर मदद करना चाहें उस बच्ची की, वो बच्ची दोबारा आ सके, उसके परिवार में वापस खुशियाँ आ सके, तो आप इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। मैं अपने साथी अभिषेक रिछारिया के साथ, अभिषेक चौरसिया, नमस्कार।